इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में एलडीए टीम पर हमला केस की समाअत। अदालत ने मंशा बम के बेटे फैसल और तारिक मंशा को इश्तेहारी करार दे दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमान नूर से। जी नुमान नूर, बताइएगा आज की समाअत में क्या पेशरफ्त रही। जी बिल्कुल, इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में एलडीए की टीम पर हमला केस पर समाअत हुई और अदालत ने मंशा बम के दो बेटों फैसल मंशा और तारिक मंशा को अदालती इश्तेहारी करार देते हुए समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी करने का हुक्म जारी कर दिया गया। इस केस के दो मुलजमान मंशा बम और आसिम मंशा को अदालत में पेश किया गया और मुकदमे के जो दीगर तीन मुलजमान हैं जिसमें दो बेटे मंशा बम के शामिल हैं उनको अदालती इश्तेहारी करार दिया गया। और इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत नंबर 4 के जज अब्दुल कय्यूम खान ने केस पर समाअत की। अदालत ने आज पुलिस से केस की मुकम्मल फाइल तलब कर रखी थी, जो कि तफ्तीशी अफसर ने अदालत में जो है वो बयान दिया कि इस केस की जो मुकम्मल फाइल है वो आइंदा समाअत पर अदालत में पेश की जाएगी, जिस पर अदालत ने समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। ठीक है, समाअत को 15 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया नुमान नूर।